Ok. जब बात आती है एक लैपटॉप खरीदने की तो अक्सर हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरह का लैपटॉप खरीदना चाहिए अगर हमारे पास बजट है दस हजार बीस हजार तीस हजार पचास हजार या फिर एक लाख तो आखिर में हमें लैपटॉप खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपने नोटिस किया होगा जब भी आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं मार्केट में तो यहां पर आपको अक्सर बताया जाता है कि इस लैपटॉप में आपको i3, i5, i7 या फिर i9 नाइन प्रोसेस दिया गया या फिर ये भी स्पेक्स में लिखा होता है कि यहां पर आपको एच डी डी हार्ड डिस्क दिया हुआ है या फिर एस एस डी हार्ड डिस्क दिया हुआ है इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि यहां पर आपको एलपी डी डीडीआर 4x एक्स रैम दी गई है या फिर एल पी इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि लैपटॉप में यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स दिया हुआ है यहाँ पर स्पेक्स पे ये सब लिखा होता है साथ में ये भी लिखा होता है कि यहाँ पर आपको डॉस लैपटॉप देखने को मिलता है या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है एक मिनट को आखिर में यार ये सब है क्या तो भैया अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता चल गई इन सभी चीजों के बारे में आपने नॉलेज ले लिया तो यहाँ पर आप यू चुटकियों में अपने बजट के हिसाब से जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप एक बेहतर और सही लैपटॉप अपने लिए चूज कर सकते हो बाय कर सकते हो चलिए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीके से जिसके बाद आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का लैपटॉप बाय करना चाहिए हेलो दोस्तों मेरा नाम है मनोज सरू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले समझते हैं हम डिस्प्ले और स्क्रीन साइज व लैपटॉप में यहां पर जो स्क्रीन साइज होता है वो बेसिकली जो लैपटॉप आप देखते हो जो भी स्क्रीन आपको देखने को मिलता है उसका जो साइज है वो कितना बड़ा होगा वो बेसिकली डिपेंड करता है स्क्रीन साइज पे आप यहाँ पर मार्केट में आपको तरह तरह के स्क्रीन साइज देखने को मिल जाते हैं लैपटॉप के दस इंच का थर्टीन इंच का फोर्टीन इंच का फिफ्टीन इंच का या फिर सिक्सटीन इंच का तो यहां पर जो साइज है जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपको लैपटॉप में डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसके अलावा यहां पर आपको लैपटॉप में दूसरी जो चीज देखने को मिलती है है, वो है डिस्प्ले अब यहां पर आपको तीन तरह के नॉर्मली डिस्प्ले देखने को मिलते हैं लैपटॉप में एक एच होता है दूसरा होता है फुल एच और तीसरा होता है अल्ट्रा एच या फिर कह लो फोर डिस्प्ले तो यहां पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो लैपटॉप के डिस्प्लेज हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं अफकोर्स यहां पर आपको सस्ते लैपटॉप में एच डिस्प्ले देखने को मिलेगा और थोड़े से महंगे लैपटॉप में आपको फुल एच डिस्प्ले और उसके बाद यहां पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप में यहां पर आपको अल्ट्रा एच या फिर कह लो फोर के डिस्प्ले देखने को मिलेगा तो नॉर्मली यहां पर आप ज़रूरत के हिसाब से इन डिस्प्ले को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस परपज़ के लिए लैपटॉप चाहिए नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रोसेसर वह well, लैपटॉप में या फिर कह लो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम हो या फिर कोई भी मोबाइल सिस्टम हो उसमें जो प्रोसेसर होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाओगे तो यहाँ पर आपको लैपटॉप में i3 i5 i7 फाइव या फिर कह लो आजकल लेटेस्ट आई प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा यहाँ पर आपको आई थ्री आई के सामने भी यहाँ पर आपको जनरेशन लिखी होती है कि फोर्थ जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन या फिर सेवन जनरेशन तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है हम्म अब आप पूछोगे यार ये प्रोसेसर क्या होता है चलिए जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट सिंपल और आसान भाषा में समझा देता हूँ यहाँ पर आप प्रोसेसर को सिंपली कंपेयर कर सकते हो गाड़ी के इंजन से अगर गाड़ी का जो इंजन है वो लेटेस्ट होगा न्यू होगा तो यहाँ पर जो गाड़ी है वो स्मूदली रन होगी बीच बीच में रुकेगी नहीं सेम इसी तरह लैपटॉप में अगर जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होगा नया जनरेशन का होगा तो यहाँ पर जो लैपटॉप है वो अच्छी तरह स्मूदली रन करेगा हैंग नहीं होगा लेकिन वहीं पर अगर जो गाड़ी का इंजन है अगर वो पुराना हो गया है बहुत दो तीन साल पुराना हो गया है आउटडेटेड है तो यहां पर जो गाड़ी है वो अच्छे से स्मूथली रन नहीं होगा और बीच बीच में के के अच्छी है, है, तो तरीके से काम करेगा लेकिन अगर जो प्रोसेसर है वो आउटडेटेड है पुराना है तो ऐसे में आपका जो लैपटॉप है वो हैंग होगा जो एप्लीकेशन है वो स्लो लोड होगा एप्लीकेशन अगर आप ओपन करोगे तो बहुत ही टाइम लेगा करेगा लैपटॉप समझ गए तो यहां पर इन

तो यार यहाँ पर ये यह जो i3 है i5 है i7 है आखिर में ये होते क्या है वैल well, इसे समझने के लिए आपको कोर्स समझने होंगे कि प्रोसेसर में ये जो कोर्स होते हैं ये क्या होते हैं तो मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जो दिमाग है वो बेसिकली एक प्रोसेसर है आप दिमाग को प्रोसेसर से कंपेयर कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो हाथ है वो हो गया कोर्स जी हाँ यहाँ पर अगर आप एक काम करोगे तो दोनों हाथ से काम करोगे लेकिन वहाँ पर एक काम को करने में आपको दोनों हाथ से पाँच मिनट लग रहे हैं तो वहाँ पर वही काम के पास अगर आपके पास चार हाथ हो यानी कि चार कोर हो तो यहां पर आप उस काम को ज्यादा जल्दी करोगे तो सेम यहां पर दोस्तों प्रोसेसर में भी कोर्स होते हैं दो कोर होते हैं चार कोर होते हैं छह कोर होते हैं आठ कोर होते हैं तो यहां पर जो कोर्स है वो जितना ज्यादा होगा प्रोसेसर में जो प्रोसेसर है वो उतना ज्यादा फास्ट होगा अब यहां पर आपको कोर्स समझ आ गया ना तो यहां पर आप इजीली समझ जाओगे आई थ्री आई फाइव आई सेवन आई नाइन होता क्या है इंटेल की तरफ से तो यहां पर जो आई थ्री प्रोसेसर है बेसिकली इसमें डोल कोर होते हैं यानी कि दो हाथ होते हैं काम करने के लिए तो यहां पर जनरली जो आई थ्री प्रोसेसर होता है ये आपको थोड़े से सस्ते मिलते हैं यहां पर बीस से तीस हजार की प्राइस पॉइंट पर या फिर कह लो पैंतीस हजार के आसपास यहां पर आपको आई थ्री लैपटॉप इजिली मिल जाते हैं तो यहां पर ये जो लैपटॉप होता है आई थ्री वाले प्रोसेसर ये सफिशियंट माना जाता है अच्छा माना जाता है यहां पर नॉर्मल टास्किंग के लिए अगर आप कंप्यूटर में कोई भी ऑफिस काम करते हो नॉर्मल पावर पॉइंट चलाते हो या फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यूज करते हो या फिर कहते हो फोटो स्टोर करने के लिए या फिर कह लो कोई भी डेटा एंट्री का काम करते हो या फिर मान लीजिए आप कोई वीडियोज देखते हो स्ट्रीमिंग करते हो सर्चिंग करते हो यहां पर तो यहां पर ऐसे में आपके लिए जो आई थ्री लैपटॉप है वो सफिशियंट माना जाता है और ये जो लैपटॉप होते हैं आई थ्री वाले लैपटॉप ये थोड़े से सस्ते होते हैं अगर हम इसे कंपेयर करें आई फाइव या फिर आई सेवन प्रोसेसर वाले लैपटॉप से सेम इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट आता है यहां पर आई फाइव प्रोसेसर तो यहां पर आई फाइव में आपको या तो डुअल कोर या फिर क्वाड कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप देखने को मिलते हैं क्वाड कोर यानी कि चार तो यहां पर आपको चार हाथ देखने को मिलेंगे तो जो काम है वो और ज्यादा फास्ट होगा और यहां पर i5 जो प्रोसेसर वाले लैपटॉप होते हैं वो सफिशियंट माना जाता है यहां पर अगर आप कोई थोड़े से हैवी एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं थोड़े से हैवी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं यहां पर नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर आपको टेन वीडियो एडिटिंग करना है सेवन वीडियो एडिटिंग करना है या फिर थोड़े से हैवी टास्क करना चाहते हो यहां पर हैवी एप्स का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहां पर आपके लिए सफिशियंट माना जाता है आई प्रोसेसर वाले लैपटॉप तो नॉर्मल

सेम इसी तरह दोस्तों यहां पर आता है i7 और i9 तो i7 में यहां पर आपको चार या फिर छह कोर्स देखने को मिलते हैं और i9 में यहां पर आपको छह या फिर आठ कोर्स देखने को मिलते हैं तो ये जो प्रोसेसर होते हैं i7 i9 ये आपको ज्यादातर हाई एंड लैपटॉप में देखने को मिलते हैं महंगे लैपटॉप में, दोप में, में, दोफ में दोफ देखने को मिलते हैं तो यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो एडिटिंग करते हैं आपको हाई एंड वीडियो एडिटिंग करनी है फोर वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर कह लो आपको बहुत ज्यादा इंटेंसिव गेमिंग करनी है आपको बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स चाहिए साथ में यहाँ पर आप बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर जैसे कि थ्री सॉफ्टवेयर हो गया

होते हैं और यहां पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो टॉप लेवल की मिलती है यही नहीं यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो इन प्रोसेसर के सामने लिखा होता है फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन सेवन जनरेशन तो ये क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए तो यहां पर सिंपल सा फंडा है कि जो जनरेशन होता है ये बेसिकली ये बताते हैं कि जो प्रोसेसर है वो प्रीवियस जनरेशन से इंप्रूव है यानी कि अगर मान लीजिए एक, एक आई थ्री प्रोसेसर है फिफ्थ जनरेशन का वहीं पर एक सेम आई थ्री प्रोसेसर है सिक्स जनरेशन का तो यहां पर जो आई थ्री होगा सिक्स जनरेशन का इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट किए होंगे तो जो प्रोसेसर होगा आई थ्री फिफ्थ सिक्स जनरेशन का लेटेस्ट वाला वो थोड़ा सा बेहतर होगा और पावर एफिशिएंट होगा और यस यहाँ पर जो जनरेशन होता है इससे भी जो प्राइस की लैपटॉप की जो प्राइस है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है जैसे कि एक i3 है फिफ्थ जनरेशन का वहीं पर अगर आप i3 लेते हो एट जनरेशन का वो तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो हमेशा कोशिश करें कि यहां पर आप लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर लें नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर रैम रैम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैपटॉप का जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो सारी एप्लीकेशन बेसिकली ओपन होती है रैम के अंदर अब यहाँ पर आप पूछोगे कि यार हमारे लैपटॉप में कितना रैम होना चाहिए तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहां पर अगर आप आई वाले लैपटॉप को खरीदते हो तो यहां पर आपके पास लैपटॉप में मिनिमम चार की रैम होनी चाहिए और अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो सारे मार्केट में जितने भी लैपटॉप आते हैं आई थ्री पर आपको मिनिमम चार की रैम देखने को मिलती है इसी तरह पर अगर आप i5 फाइव लैपटॉप लेते हो तो यहाँ पर कम से कम लैपटॉप में रैम होने लैपटॉप आप आप लेते हैं तो यहाँ पर आपके लैपटॉप जीबी रैम होनी चाहिए या फिर आप थर्टी टू जीबी रैम वाले खरीद सकते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्राफिक्स वेल well, ग्राफिक्स भी लैपटॉप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली तब जब आप गेमिंग करते हो तो यहां पर आपको नॉर्मली लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स या फिर कह लो डेडिकेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर में ये ग्राफिक्स क्या होता है तभी आपको समझ आएगा कि ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स और डेडिकेटेड ग्राफिक्स क्या होता है ग्राफिक्स को अगर हम सिंपल में समझे तो यहाँ पर आप अपने लैपटॉप में जो कुछ भी देखते हैं जो कुछ भी आपको दिखाया जाता है जो भी प्रोसेस करके आपको देखने को मिलता है ये सारी चीजें यहाँ पर ग्राफिक्स के वजह से पॉसिबल हो पाता है तो ग्राफिक्स बेसिकली एक विजुअल इमेज होता है जो आप वीडियो गेम खेलते हो या फिर कोई भी वीडियोज देखते हो तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है ये जो सारा काम होता है वो बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड का होता है तो लैपटॉप में यहाँ पर आपको दो तरह के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं एक है इंटीग्रेटेड दूसरा है डेडिकेटेड तो

तो प्रोसेसर है वो बेसिकली आपके रैम को ही एक ग्राफिक कार्ड की तरह इस्तेमाल करेगा वहीं पर अगर लिखा हुआ है कि लैपटॉप में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लैपटॉप में अलग से दो जीबी या फिर चार जीबी का जितना जीबी का भी लिखा हुआ है उतने जीबी का ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है वहाँ पर जो प्रोसेसर है वो किसी भी तरह के रैम से या फिर कह लो रैम को एक ग्राफिक कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि अलग से ही भैया डेडिकेटेड दिया हुआ यहाँ पर ग्राफिक कार्ड जिससे आपको ओवरऑल जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं इसी तरह से यहाँ पर अगर आप किसी भी तरह के ऐसे लैपटॉप लेना चाहते हो जहाँ पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फिर कह लो बहुत ज़्यादा आप गेमिंग करना चाहते हो हैवी गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर हमेशा आपको ऐसे लैपटॉप को चूज़ करना चाहिए जहाँ पर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है हम्म अब यहाँ पर आपने ये सीख लिया कि आपको किस तरह का डिस्प्ले सेलेक्ट करना चाहिए किस तरह का प्रोसेसर चुनना चाहिए और किस तरह का यहां पर आपको ग्राफिक कार्ड चुनना चाहिए नेक्स्ट आता है दोस्तों यहां पर हार्ड डिस्क अब यह हार्ड डिस्क क्या होता है आपको पता ही होगा आप अपने लैपटॉप पे जो भी डेटा सेव करोगे जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होता है वो सारा का सारा आपके यहां पर हार्ड डिस्क पे सेव होता है अब इसे सिंपल कंपेयर कर सकते हो आपके मेमरी कार्ड से आप अपने फोन में जो मेमरी कार्ड डालते हो या फिर आपके फोन में जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसे ही सेम यहां पर आप हार्ड डिस्क से कंपेयर कर सकते हो तो यहां पर जनरली आपको दो तरीके के हार्ड डिस्क देखने को मिलते हैं एक होता है HDD जिसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव जी हां ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं ये आपको नॉर्मली जितने भी लैपटॉप होते हैं ज्यादा लैपटॉप में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये जो हार्ड डिस्क होते हैं वो सस्ते होते हैं और इनकी जो रीड राइट स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है और ये नॉर्मल टास्क के लिए अच्छा भी माना जाता है वहीं पे जो दूसरा होता है वो होता है एस एस टी जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव जी हाँ ये इसकी जो रीड राइट स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यहाँ पर एच डी डी से जी हाँ और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको जो एस एस टी जो हार्ड डिस्क होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है महंगा होता है और ये आपको ज़्यादातर बेहतर लैपटॉप में या फिर कह लो महंगे लैपटॉप में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है डेफिनेटली यहाँ पर आपको एच डी डी के मुकाबले बेहतर देखने को मिलेगी एस एस टी में इन सभी चीजों के बाद आता है यहां पर दोस्तों डोज दोस और जी हाँ अगर आप लैपटॉप खरीदने जाते हो तो यहाँ पर आपको दो तरीके के लैपटॉप देखने को मिलते हैं एक है डोज और दूसरा है विंडोज तो यहां पर दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए तो जो डोज लैपटॉप होते हैं यहाँ पर नॉर्मली आपको जो यहां पर इंटरफेस देखने को मिलता है वो एक टेक्स्ट बेस पे होता है मतलब पहले जो लैपटॉप आते थे वो नॉर्मली यहाँ पर डोज पे बेस पे आते थे वहीं पर अगर आपको ऐसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए जहां पर आपको सारी चीजें जैसे कि एप्लीकेशन का आइकन फोल्डर का आइकन देखने को तो ऐसी जो चीजें हैं जो ग्राफिकल है यूजर इंटरफेस है वो आपको विंडोज में देखने को मिलती है लेकिन अगर उसमें डोस लिखा हुआ है तो यहां पर आपको अलग से उस सिस्टम में विंडोज को इंस्टॉल करना होगा तो यहां पर आप सिंपल से डोस और विंडोज लैपटॉप के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यहां पर जिस लैपटॉप में विंडोज पहले से इंस्टॉल होगा वो थोड़ा सा आपको स्लाइटली महंगा देखने को मिलेगा डोस लैपटॉप के कंपैरिजन में आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ज्ञान मिला होगा अगर हाँ तो वीडियो लाइक करके मुझे जरूर बताना शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके कुछ भी सवाल है नीचे कमेंट कर लेना इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सोशल मीडिया पर जाकर आप मुझे फॉलो करके वहां से भी आप मुझसे चैट कर सकते हो ट्वीट करके सवाल पूछ सकते हो और मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय